The question is by what number should minus 24 raised to power minus 1 be divided? So that the quotient may be 3 raised to power minus 1. हमसे ये पूछा गया है कि हमें minus 24 raised to power minus 1 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि जो quotient है वो 3 raised to power minus 1 आ जाए. तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमने इसे डिवाइड किया है x से. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. मीन्स हमने माइनस 24 रेस्ट पावर माइनस 1 को डिवाइड किया है x से. देन क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 रेस्ट पावर माइनस 1. अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर जो माइनस 24 रेस्ट पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 जो पावर नेगेटिव है उसे हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं. हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास a बाई बी रेस्ट पावर माइनस m है तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी वैल्यू होती है हमारे पास उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. b by a raise to power m हो जाएगा. ठीक है, a by b है तो b by a हो जाएगा. यहाँ पर है हमारे पास minus 24, तो अब इसके जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 ही है. जब इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसे हम लिखेंगे 1/24 और माइनस जो है आप यहीं पर लगा लो या माइनस 24 नीचे भी लिख सकते हैं. अब इसकी पावर पॉजिटिव हो चुकी है डिवाइडेड बाई x एज इट इज. और यहाँ भी सेम चीज हमें अप्लाई करनी है तो ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा, पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1. तो अब देखो यहाँ पर जो ये डिवीजन का साइन है इसे हम मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या रूल होता था, x की जगह पे हम 1/x लिख लेंगे इज इक्वल टू 1/3. अब 1/x हम इधर रखते हैं, इसे हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो राइट साइड पर जब इसे हम लेके जाएंगे 24 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 1 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में और माइनस भी है तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1/x इज इक्वल्स टू -8/1 दैट इज -8. लेकिन हमें फाइंड करना है x तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बोथ साइड फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी आ जाएगा. तो ईजिली हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रेसिप्रोकल किया है तो हमें राइट हैंड साइड पे भी रेसिप्रोकल करना है. ठीक है, या फिर कैसे होता कि 1/x इज इक्वल टू -8/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू -8x. x फाइंड करने के लिए जो -8 मल्टीप्लाई में आया था वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्टली दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर देंगे तभी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. थैंक यू.